पीढ़ियों पर शूटेड साइट का आदेश दिया गया है। योगी सरकार ने आदेश दिया है कि बहराइच में भेड़िए को जिंदा या मुर्दा पकड़ा जाए। केवल दो भेड़िए बचे हैं। दिल्ली और देहरादून से एक्सपर्ट बुलाए गए हैं। 12 टीमें लगाई गई हैं। ड्रोन से सर्च ऑपरेशन जारी है। दरअसल बहराइच के महुसी तहसील क्षेत्र में इन दिनों आदमखोर भेड़ियों ने आतंक मचा रखा है। इन हमलों में अब तक 9 मासूम बच्चों और एक महिला समेत 10 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अभी भी दहशत बनाए हुए हैं। तो यहाँ पर दहशत इस कदर है कि लगातार कई दिनों से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। लोग अपने घरों में शांति से ना रह पा रहे हैं, ना सो पा रहे हैं और ना ही घर से बाहर जाकर काम पर जा पा रहे हैं। लोगों का जीना दुभर हो चुका है बहराइच में, क्योंकि भेड़ियों का आतंक लगातार जारी है। हाल ही का जो ताज़ा मामला सामने आया है, उसमें यही बताया गया है कि एक मासूम बच्चा अपनी माँ के साथ सो रहा था। माँ के साथ सोते हुए बच्चे को उठाकर ले जाने की कोशिश की भेड़िए ने। हालांकि शोर मचाने पर भेड़िया वहाँ से भाग खड़ा हुआ और इस पूरे वारदात में जो है बच्चे को मामूली चोटें आई हैं। बता दें कि इससे पहले कई लोगों को अपना निवाला ये भेड़िए बना चुके हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद जो है वो बच्चों की पाई गई है। बच्चे इसमें शामिल हैं। 9 मासूम बच्चों को इन्होंने अपना निवाला बनाया है और एक महिला भी इसमें शामिल है। एक महिला को भी इन्होंने अपना निवाला बनाने की कोशिश की थी। तो लगातार इन आदमखोर भेड़ियों का कहर वहाँ पर देखा जा रहा है। इसी बीच बड़ा फैसला ये लिया गया है कि जिंदा या मुर्दा भेड़ियों को अब पकड़ना है। योगी सरकार ने ये एक अल्टीमेटम दे दिया है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए। 2 भेड़िए जो बच्चे हैं उन्हें जल्द से जल्द पकड़ा जाए, जिंदा या फिर मुर्दा। इन भेड़ियों को पकड़ा जाना काफ़ी ज़रूरी है अब, क्योंकि बहुत लंबे वक्त से ये सर्च ऑपरेशन यूँ ही लगातार जारी है। इससे पहले बता दें कि 4 भेड़ियों को काबू में कर चुका है वन विभाग, लेकिन ये 2 भेड़िए ऐसे हैं जिनको पकड़ने में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, जिन तक पहुँच पाना इतना आसान नहीं लग रहा है। अलग अलग तरह के हथकंडे यहाँ पर अपनाए जा चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है मिलेगा। धन्यवाद। ये तस्वीरें देखिए, ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये सुबह सवेरे की ही तस्वीरें हैं आपके सामने। बहराइच में इतनी सुबह सवेरे जब टीमें वहां पर अधिकारी पहुंच रहे हैं, तो सोचिएगा जरा कि मामला कितना संगीन है ये, क्योंकि यहां पर इतने सुबह सवेरे अधिकारी पहुंचे हैं और योगी सरकार की तरफ से अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। 2 भेड़िए, जिसके वजह से पूरे इलाके में दहशत बनी हुई है। लोग सो नहीं पा रहे हैं। उन भेड़ियों को अब जिंदा या मुर्दा जल्द से जल्द पकड़ना होगा। ये अल्टीमेटम योगी सरकार की तरफ से दे दिया गया है और इसी सिलसिले में अब अधिकारियों का पहुँचने का सिलसिला भी देखा जा रहा है। सुबह सवेरे की तस्वीरें आप देखिए, इन भेड़ियों पर लगाम लगाने के लिए, शिकंजा कसने के लिए पूरी तरह से तैयारियां की जा चुकी हैं। पिंजरे लगाए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिंजरों में गुड़ियां भी रखी गई थी। रंग बिरंगी गुड़िया रख कर भी लुभाने की कोशिश इन भेड़ियों को की गई थी, ताकि उनके लालच में ये भेड़िए उस पिंजरे में आकर फंस जाएं और इन्हें पकड़ा जा सके, क्योंकि ये भेड़िए जो है निशाना सिर्फ बच्चों को बना रहे हैं और ऐसे में बच्चों के साइज़ के आकार की ही जो पिंजरों में गुड़ियाँ लगाई गई थी, लेकिन उस वक्त भी कामयाबी जो है हाथ नहीं लगी। अब ये अल्टीमेटम दे दिया गया है कि बहुत जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जाना ज़रूरी है। और 2 भेड़िए हैं जिन पर नकेल नहीं कसी जा रही है और हर तरह की कोशिशें यहाँ पर वन विभाग द्वारा और तमाम टीमों द्वारा की जा चुकी है। तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। 2 के लिए तो दे दिया है ऑर्डर कि हर हालत में भेड़िया पकड़ा जाना चाहिए, जिंदा या मुर्दा हर हालत में पकड़ा जाना चाहिए। कोई हराना नहीं, किसी पर अटैक बर्दाश्त नहीं है, चाहे उसे मारना पड़े। 2 प्रदेश के बहराइच जनपद के महसी क्षेत्र में लगातार हो रहे भेड़िए के हमले को लेकर तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। एक्सपर्ट्स और वन विभाग की टीम का कहना है कि जिन घरों में दरवाजे नहीं लगे हैं, ये भेड़िया उन्हीं घरों को निशाना बना रहा है और घरों के अंदर घुस करके मासूमों को सीधे वो जबड़े में दाब कर लेकर चला जाता है। मैं इसलिए आपको यहाँ दिखाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ कि ये वही, देखिए, सिद्धू का घर है और सिद्धू भी खड़े हैं, जिनकी बेटी को लड़के को सबसे पहले भेड़िया यहाँ पे आया। और सिद्धू जी बताइए, कहाँ भेड़िया कहाँ से लेकर के गया था, जरा हमको आप दिखाइए। देखिए, आपको मैं दिखाऊं, अपने सहयोगी से कहूँगा शुभम से कि वो दिखाएंगे। देखिए, अंदर से भेड़िया आया और लेकर के यहाँ से लड़के को उठा करके लेकर के चला गया।
और उसको उसने मौत के घाट उतार दिया। अब दूसरी बात मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए अब आपको दरवाजे नए दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पहले सिद्धू का कहना यह है कि पहले इन घरों पर दरवाजे नहीं हुआ करते थे। अब देखिए अब दरवाजा इनको यहाँ के जनप्रतिनिधि के द्वारा दे दिया गया है, कुछ वन विभाग के लोगों ने भी मदद की है, उन्होंने भी दरवाजा दे दिया है। यानी कि एक तरीके से ये नया कहीं ना कहीं वन विभाग ने ये नई बात बताई है कि जिन घरों में दरवाजा नहीं है वहीं पर ये भेड़िया सीधे अटैक करता है और उन दरवाजों को ज्यादा चुनता है जहां पर अंदर से लोग दरवाजा नहीं बंद करते हैं। दूसरी तरफ मैं अपने सहयोगी शुभम से कहूंगा कि वो दिखाएं, देखिए वो भी एक दरवाजा है, उस घर में भी दरवाजा नहीं था और वहां पर भी देखिए नया दरवाजा लगाया गया है और इस समय हालांकि दरवाजा बंद है, चौखट जरूर लगा हुआ है लेकिन दरवाजे नहीं है। और ये एक गांव की कहानी नहीं है बल्कि इस क्षेत्र के दर्जनों गांव की ये कहानी है कि घर तो जरूर बने हैं लेकिन दरवाजे नहीं हैं और यही वजह है कि भेड़िया लाभ उठा लेता है और सीधे अंदर घुसता है। हमारे साथ गांव के तमाम ऐसे लोग हैं। भैया पहले सिद्धू आप आइए, ये बताइए कि क्या जब भेड़िया आपके बच्चे को उठाया उसके पहले दरवाजा आपके घर में था? नहीं रहा दरवाजा, नहीं रहा। क्यों नहीं था दरवाजा? का मजबूरी कौन, बस मजबूरी कारण ना लगवाई पावा, मंजूरी धतूरी करे में यहाँ कोई हैरान बीमार कौन देखते हो का भाव का मिलत है। लेकिन घर पक्के का और दरवाजा नहीं, क्या आपको अपने बच्चों के मिली रहा या तो बनवावा रहा अपने फिर से ना बनवा पा तो ना ही कोनो लगवाई मिला प्रयास केहन तो लड़का बीमार हो गया। 17-18 हजार रुपया यह लागे है सामने से नहीं, 17-18 हजार उम्र लगा दिया तो एक रुपया नहीं बचा। चाचा आप बताइए कि तमाम हमने अभी गांव में हम घूमे, घर लोगों का बना है लेकिन घर में कटिया केवल लगा है दरवाजा नहीं है, तो ऐसा नहीं लगता है कि खुद लोग असुरक्षित हैं इन दरवाजों की वजह से? पहले हमारे सबके क्वाड़ा इलाका रहा है, कोई मतलब भेड़िया उसड़िया के डर नहीं रहा था, कोई डर नहीं था पहले। हाँ अभी गन्ना वन्ना के वजह से कहीं से भग के आएंगे या कहाँ से आएंगे, बहुत अपन मासी ब्लाक भरे में यहाँ अटैच कर रहे हैं। लेकिन 20 साल पहले भी तो यहाँ पे कोई ऐसा वाकया हुआ? 20 साल पहले कहूँ एक आध बच्चे कहाँ उठाई से उसका हम लोग नहीं जानी थे। अच्छा। हाँ तब तक यहाँ कोई वो ना रहा, खेत खान और गन्ना सन्ना सब छोले जावे, 9-10 बजे दिन का चले जाए, संझे चले जाए, गन्ना गौड़ा काटे, कोई मतलब रहबे नहीं करे। भैया बताओ बेटा गाँव में कितने दरवाजे जो है वो लोगों ने दे करके लगाए हैं? अभी तो सर मेरे हिसाब से जैसे 50-60 के आसपास में दरवाजे लग चुके हैं, फिर भी जिनके पास नहीं दरवाजा उसका आता रहता है बराबर, मतलब एक एक करके दरवाजा आ रहे हैं और लगते जा रहे हैं। अच्छा। अभी पूरी हमारी जो वन विभाग वाले नहीं हैं वो सब हमारी लोगों की सहयोग भी कर रहे हैं, रात में ड्यूटी भी देते हैं, हम लोग अपनी सुरक्षा करते हैं और घर के अंदर सोते भी हैं। अच्छा। हाँ हम लोग बराबर साथ। आप कुछ बता सकते हैं कि यहाँ पे कितने दरवाजे बाहर से लगाए गए हैं जो लोगों के ये हमले के बाद जो दिए गए हैं? जी जी वो लड़का तो बता रहा है सर, उतने ही उतना ही है। हाँ जी आपको जानकारी नहीं है? नहीं जानकारी है सर, हमारे भाई है। हाँ जी अच्छा सिद्धू क्या भाई है? हाँ जी। देखिए सबसे बड़ी बात ये है ये गाँव के लोग हैं और साफ तौर पर इनका कहना ये है कि घर तो हमने जरूर बना लिया है लेकिन घर में दरवाजा हमने सिर्फ इसलिए नहीं लगाया कि कभी ऐसी अनहोनी की इनको आशंका नहीं थी। और अब जिस तरीके से नरभक्षी भेड़िये ने शिकार करना शुरू किया है, लगातार मासूमों को निवाला बनाना शुरू किया है, तो अब ये जागरूक हुए हैं और जागरूक होने के बाद ये घरों में दरवाजा लगाना शुरू किए हैं। वन विभाग भी लगातार अपील कर रहा है, लगातार पुलिस विभाग के लोग अपील कर रहे हैं, ऐसे में इंडिया न्यूज भी अपील करता है कि अधिक से अधिक लोग अपने घर में दरवाजा लगाएं। बुलेटिन में